है गाइज वेलकम बैक अ बैफ्ट आई रिपीट अ बैफ्ट इसका मतलब होता है टूवर्ड्स द स्टर्न ऑफ अ वेसल इन सिंपल वर्ड्स जैसे शिप या कुछ हो शिप हो गया तो शिप के जो पीछे वाला पार्ट होता है ना उसको बोलते हो पीछे वाला तो अगर सेंटेंस ले तो अबैफ्ट द बॉक्सिस आर कैप्ड एट द अफ्ट ऑफ द शिप थर्ड वर्ड इज इंटरेस्टिंग जो हम लोग हिंदी में भी यूज़ करने लगे हैं लाइक अबे इट्स नॉट अबे इट्स एबे ए डबल बी ई एबे एंड इट्स यूज फॉर अ बॉडी ऑफ मॉन्क्स और नन सो इट्स एबे सो गाइस जो लास्ट वर्ड हमने सीखा था वो था एबे ए डबल बी ई अब जो नेक्स्ट वर्ड हम सीखने जा रहे हैं वो है एबी ए डबल बी ई वाई क्योंकि दोनों एक जैसा साउंड करते हैं दोनों का मीनिंग भी सेम हो सकता है राइट <laughs> दोनों right. का मीनिंग सेम मतलब सेम नहीं बट रिलेटेड है एबी का मतलब होता है मोनेस्ट्री और अ चर्च नेक्स्ट वर्ड है दैट इज आबिस एबिस जिसका मतलब होता है फीमेल सुपीरियर ऑफ बाद जो वर्ड है उसका दैट इज अबर्ट अ बट जिसका मतलब होता है हेड ऑफ अ मोनेट मोनिस्ट्री ऑफ अ चर्च तो हमने जितने सारे वर्ड्स पढ़े वो ऑलमोस्ट सिमिलर थे तो एक बार रिकॉल करे सारे वर्ड्स को दर्स्ट वर्ड वॉज एबफ्ट बैक साइड या फिर पीछे ऑफ अ शिप देन वी देन वी हैबाउट एबे एबी एंड एबिस एबर्ट जिसमें एबे का मतलब था या एनस एबी का मतलब था मोनेस्ट्री एबर्ट का मतलब था हेड ऑफ मोनेस्ट्री एंड एबिस का मतलब था फीमेल सुपीरियर ऑफ नन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर न्यू वर्ड्स